पूरे मेरी राख लई, गुरपूरे मेरी राख लई। अब हमें अगर ये पता चल गया अब हमें कि हम लोग फंसे हुए हैं ना, माया में फंसे हुए हैं, ठीक है, और हम लोग अंदर से बर्बाद हैं एक तरह से, हमें पता नहीं लगता साध संगत जी, वी थिंक वी आर फाइन, बट गुरु महाराज कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सब दुखी हैं। हम लोग कुछ ना कुछ करके अपने आप को खुश करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बट हम लोग हैं दुखी हैं एक्चुअली अंदर से, बिकॉज हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिली नहीं है ना। तो अगर ये हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हम लोग फंसे हुए हैं, हमें वाहेगुरु जी से मिलना है, तो हमें वाहेगुरु जी से मिलाएगा कौन? वाहेगुरु जी से मिलाएंगे गुरु महाराज। यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में आता है, एंड इट इज़ ओके, हम लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चंस हमारे वेरीफाई कन्फर्म नहीं होंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे हम, तब तक ना हम किसी जगह पर चल नहीं पाते। ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट भी ले लें अगर हम, तो अगर हमें जब तक डाउट्स हों किसी सब टॉपिक में, तब तक हम उस टॉपिक को कम्प्लीट नहीं कर पाते, राइट। तो एक दिमाग में चीज़ आती है कि सिर्फ गुरु ही कर सकता है, और गुरु ही क्यों चाहिए मेरे को? अगर मेरे को पता चल गया कि नाम जपना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी है, वाहिगुरु जी का नाम जपना है, करी जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नहीं साध संगत जी, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हम लोग जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हमें हर चीज़ के लिए टीचर लगता है। 1 2 3 सीखने के लिए भी टीचर लगता है, टीचर सिखाती है। ABCD सीखने के लिए भी टीचर सिखाती है। खाना कैसे खाना है हमारे घर में माँ बाप हमें सिखाते हैं। हर चीज़ हम लोग जो है ना आज साध संगत जी, हम लोग वही हैं जो हमने सीखा है। बिना सीखे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 1 2 3 सीखने के लिए भी मुझे टीचर चाहिए, ABCD सीखने के लिए भी मुझे टीचर चाहिए, तो मुक्त होने के लिए मेरे को कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए। मुक्त होने के लिए मेरे को गुरु चाहिए। चक्कर क्या होता है कि हम ये क्वेश्चन इसलिए करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि क्यों, दैट इज़ फाइन, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारी ईगो आड़े आ जाती है, क्यों मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों रहत रखूं, मैं क्यों वो वाले डिसिप्लिन में रखूं, मैं क्यों धर्मी हूं, ये क्वेश्चन आते हैं मन में। बहुत सारे लोग कई बार मेरे साथ बात हो रही होती है तो कहते हैं कि भी मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे लगता है कि वो ठीक है, मेरे को धर्मी होने की ज़रूरत नहीं है। ना करो, प्लीज़ ना करो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, ज़िंदगी का जुआ ना खेडो। अपने आप पर मत लो ये सब कुछ कि मैं अपने आप को तार दूंगा, नहीं। गुरु महाराज, देर इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट कि गुरु महाराज 10 जामे में अराउंड 250 साल वो इस धरती पर देह रूप में रहे हैं, 10 जामे। कई बारी मेरे को ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इफ़ यूर गुरु इज़ सो पावरफुल, 10 गुरु क्यों लगे आपके गुरुओं को, जो आपके गुरु हैं वो 10 गुरु क्यों हैं, एक ही गुरु बहुत होना चाहिए अगर इतने पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी मत छोटी है साध संगत जी, एक गुरु हमें पूरा नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, 10 गुरु महाराज रहे हैं देह रूप में, तब भी हम लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है कि गुरु क्यों। समझ लगी साध संगत जी? तो ये हमारे अंदर की ईगो होती है जो हमें रोकती है, ठीक है। और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईगो, ये सब कलयुग ही है, ये सब कलयुग करवा रहा है, और हमारी लड़ाई इस कलयुग से है। जब तक हम इस कलयुग से लड़ेंगे नहीं ना, तब तक साध संगत जी हम लोग नहीं तर सकते। और वो लड़ाई कैसे लड़नी है ये गुरु महाराज बताते हैं, समझाते हैं। और गुरु महाराज, मतलब मैं कई बार बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता हूँ कि गुरु महाराज ने एक एक सेकेंड का हिसाब दिया हुआ है कि भाई तूने कब उठना है, उठ के क्या करना है, तूने खाने में क्या खाना है, तेरा खाना किस में बना होना चाहिए। साध संगत जी, गुरु महाराज का हुक्म है कि सर्व लोगों के भांडों में ही खाना बनना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है सर्व लोगों के खाने में अगर बनाते हैं हम लोग। बट आजकल यहाँ बहुत देर से क्या चल रहा है, स्टील, एल्युमिनियम, राइट। आपको पता है साध संगत जी, कभी इंटरनेट पे जाके पढ़ लेना, बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं हमारे अंदर अगर हम एल्युमिनियम या स्टील में बनाते हैं। एल्युमिनियम में तो बहुत ही ज़्यादा होती है,
स्टील में उससे कम होती है, पर जो सर्व लो होता है ना आयरन, वो होता है हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, हमारी बॉडी हार्म नहीं करता, हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। गुरु महाराज ने 450 साल पहले हुक्म कर दिया, 500 साल पहले हुक्म कर दिया कि भाई सर्व लोक के पांडवों में ही खाना है आपने, बट हम लोग नहीं मानते थे, हम लोग कहते क्यों माने, रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न देख लो। साइंस जब खोज कर लेती है ना किसी चीज़ का, तब हमें ठीक लगता है, तब हमें लगता है हाँ अब ठीक है। साथ संग जी, साइंस जो गुरु महाराज हमें दे गए हैं ना, उसका 0.1% भी नहीं अचीव कर पाई, 100% तो बहुत दूर के हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। गुरु महाराज ने कितने 500-550 साल पहले बोल दिया कि भाई पाताला पाताल लख आगास आगास। साइंस आज भी ढूंढ रही है, UFO दिख जाता है कभी, कोई एलियन दिख जाता है। गुरु महाराज कहते हैं जो ये तक ये हम देख रहे हैं दुनिया, इस तरह की लाखों दुनिया है, हमें कुछ नहीं पता। साहब गंगा जी, इस दुनिया के एक प्लैनेट के ऊपर हम लोग एक छोटी सी कीड़ी भी नहीं है, और हम किस पर उंगली उठा रहे हैं, किसको क्वेश्चन कर रहे हैं, गुरु महाराज को, जो पूरी क्रिएशन का ज्ञान देते हैं हमें, है ना साहब गंगा जी। तो गुरु का हमारी जिंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।